Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear swains. Hope you all will be fine. Today we will discuss chapter number 3, periodicity of properties, and topic atomic and covalent radii. Moving toward our topic, that is atomic radius. First of all, what is atomic radius? Kya hai atomic radii? Theek ho gaya? Kisi bhi atom ka central nucleus se leke outermost shell tak ka jo distance hai, usse hum kya kehte hain? Uska atomic radii kehte hain. ठीक हो गया, यानी कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, किसी सेंट्रल एटम का किसी एटम का सेंट्रल न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं. ठीक हो गया. और याद रखिएगा, ये जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वहां तक मैयर किया जाता है, वो इसका एटॉमिक रेडियस होता है. ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ शेल का सेंट्रल पॉइंट से लेके शेल तक का जो न्यूक्लियस के शेल तक का जो डिस्टेंस है उसे हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे. नहीं, बल्कि सेंट्रल एटम के सेंट्रल न्यूक्लियस के सेंट्रल पॉइंट से लेके आउटर ऑर्बिटल तक, आउटर इलेक्ट्रॉन्स तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं. इनको हम मेजर किस में करते हैं, पिकोमीटर में करते हैं. ठीक हो गया. अब हमने क्या डिस्कस करना है कि आया पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है. ठीक है, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले आपको सिर्फ दो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि एटॉमिक रेडियस कम क्यों कैसे होता है और एटॉमिक रेडियस ज्यादा कैसे होता है. कॉमन सी बात है, सिंपल सी बात है कि जितने किसी एटम के नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे उतना ही क्या होगा, उसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा. ठीक हो गया. और जितना किसी एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका एटॉमिक रेडियस उतना ही कम होता जाएगा. ठीक है, इसके बिहाइंड हम रीजन देख लेते हैं कि ये क्यों होता है. एटॉमिक रेडियस ज्यादा होने का रीजन तो आपको पता चल गया कि जितने नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली शेल जितने ज्यादा होंगे उतना ही एटम का स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ता जाएगा, रेडियस इंक्रीज होता जाएगा. लेकिन एटॉमिक नंबर का क्या रिलेशनशिप है एटॉमिक रेडियस के साथ? एटॉमिक नंबर का रेडियस के साथ ये रिलेशनशिप है कि देखिए, फर्स्ट करें मेरे पास यहाँ पे दो एटम्स हैं, जैसे मैं ले रही हूँ लिथियम और बेरिलियम. आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट हुई हुई है वो किस बेसिस पे हुई हुई है, एटॉमिक नंबर की बेसिस पे, और वो लेफ्ट टू राइट पीरियड वाइज जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. अब ये हमारे पास क्या है, सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 ए ग्रुप्स हैं. ठीक हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, अप टू जितना भी है. ठीक हो गया. अब आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, फिर लिथियम का 3 है, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6. ठीक हो गया, ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल लिथियम और बेरिलियम की. अब होता क्या है, लिथियम का मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कैसे होता है. होता ये है कि लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है, जबकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4. अब एटॉमिक नंबर से मुराद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है, जबकि बेरिलियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 है. ऐसे ही है कि नहीं? अब आप बता सकते हैं मुझे कि आया लिथियम के प्रोटॉन्स, आपको पता है एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज. अब जिसके पास जितने ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, इट्स मीन कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है ना. सेंट्रल न्यूक्लियस के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होल्ड होता है, बल्कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को उसने क्या किया होता है, अट्रैक्ट किया होता है. ऐसे ही कहें, अब यहाँ पे लिथियम के 3 प्रोटॉन्स ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट किया हुआ है, या बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स ने 4 प्रोटॉन्स को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट किया हुआ है. ऑब्वियसली बेरिलियम के 4 प्रोटॉन्स ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट किया हुआ है. तो जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में, उतना ही साइज क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, एक दूसरे के करीब आते जाएंगे शेल्स, न्यूक्लियस के करीब आएंगे, और जब वो न्यूक्लियस के करीब आएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा और एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इसी वजह से अगर हम पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखें लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है. तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इट्स मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो अट्रैक्टिव पावर इंक्रीज हो रही है, और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ही साइज क्या होगा लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता जाएगा. समझ गए मेरी बात को? जबकि अगर हम ग्रुप वाइज बात करें तो ग्रुप वाइज क्या होता है, ग्रुप वाइज जैसे जैसे ग्रुप वाइज बढ़ते जाएं हम तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं. और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज क्यों करते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो रहा है, नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते जाते हैं, ठीक है. और जब टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो इट्स मीन एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा. ठीक हो गया, होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी. ठीक है, ट्रेंड्स की बात करते हैं. एज यू गो डाउन अ कॉलम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, मैंने आपको बता दिया. और जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है. अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट. ये आपको यहाँ से बेस्ट समझ आ रहा है क्या है एटॉमिक रेडियस फर्स्ट ग्रुप का. सबसे ऊपर सबसे छोटा इंक्रीज करता गया, इंक्रीज करता गया. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे तो इट्स मीन एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज करेगा. तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स कौन से थे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है. तो क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है. अब बात करते हैं हम एटॉमिक नंबर की बेसिस पे क्या होता है. एटॉमिक नंबर में आपको पता है हाइड्रोजन और हीलियम कौन से ग्रुप में आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप में. लिथियम, सॉरी पीरियड में, हाइड्रोजन और हीलियम किस पीरियड में आ रहे हैं, फर्स्ट पीरियड में आ रहे हैं. हम यहाँ पे पीरियड और ग्रुप को साइड पे छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं एटॉमिक नंबर की. हाइड्रोजन और हीलियम एक पीरियड में आ रहे हैं, फर्स्ट पीरियड में आ रहे हैं, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2. यहाँ पे अब हो रहा ये है कि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस का रिलेशनशिप बता रहे हैं एटॉमिक नंबर के साथ, ठीक है. अब फर्स्ट एलिमेंट था, एटॉमिक नंबर 1 था, इसके बाद हीलियम है, तो जाहिर है एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ. एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ तो इट्स मीन इसका अट्रैक्टिव पावर ज़रा सी स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन.